लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैथड इसके अंदर हमारे पास डेटा गिवन है uh, एक कंपनी है जो कि ये ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज करके एग्रीगेट प्लान डिवेलप करना चाहते हैं डेटा uh, जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर गिवन है एंड दैट इज बेसिकली वी हैव हेयर फर्स्ट रो के अंदर डिमांड है uh, मंथ्स के ईच मंथ की गिवन है एट हंड्रेड इन मार्च वन थाउजेंड अप्रैल एंड मई में 750 फिफ्टी की रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी जो हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं रेगुलर टाइम प्रोडक्शन 700 यूनिट्स ईच मंथ हमारे पास अवेलेबल है ओवर टाइम फिफ्टी यूनिट्स ईच मंथ हम कर सकते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो है वो फर्स्ट टू मंथ्स तो हमारे पास 150 की ऑप्शन uh, अवेलेबल है मे uh, में 130 यूनिट्स वो रिड्यूस हो जाती है बिगनिंग uh, इन्वेंट्री हमारे पास 100 टायर्स की है uh, ये टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके ये डाटा है रेगुलर टाइम कॉस्ट हमारे पास 40 डॉलर्स पर टायर है ओवर टाइम इज फिफ्टी डॉलर्स पर टायर सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज सेवेंटी डॉलर्स पर टायर और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज टू डॉलर्स पर टायर पर पीरियड अब इसको अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो हमने सोलूशन जो हमने बनाना है वो टेबुलर फॉर्म में होगा टेबल की शक्ल में तो ये टेबल आपके सामने है इसके अंदर बेसिकली ये हमारे पीरियड्स हैं जिसके अंदर जहाँ से हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे टू मीट दिस डिमांड इधर पीरियड में सो लेफ्ट मोस्ट इज सप्लाई के पीरियड दिया हुआ है और जो कॉलम के अंदर दिए हुए हैं वो डिमांड के पीरियड्स दिए हुए हैं कि पीरियड में क्या डिमांड है अच्छा अब इसके अंदर एक और चीज देखने वाली है कि यहां ये रेड क्रॉसेस लगे हुए हैं बेसिकली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सेकेंड पीरियड की जो प्रोडक्शन है विच इज दिस वन ये जो तीन है हमारे पास ऑप्शन ये जो प्रोडक्शन है ये फर्स्ट पीरियड की डिमांड को नहीं मीट कर सकती बैक ऑर्डर नहीं है तो हम नहीं कर सकते हाउ इज इट पॉसिबल कि सेकेंड पीरियड में हम प्रोडक्शन करें और फर्स्ट पीरियड में जाकर उसको डिमांड को मीट कर लें तो यही चीज इधर भी है थर्ड पीरियड की प्रोडक्शन और सप्लाई कैन नॉट मीट द डिमांड ऑफ फर्स्ट पीरियड सिमिलरली थर्ड पीरियड की सप्लाई कैन नॉट मीट द डिमांड ऑफ सेकंड पीरियड तो इसलिए इधर क्रॉस लगाए हुए इधर हमने कोई फिगर नहीं डालनी दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हर एक की कॉस्ट की बात है फॉर एग्जांपल बिगनिंग इन्वेंट्री अगर हम फर्स्ट पीरियड में यूज करते हैं तो उसको इन्वेंट्री में हम रख दी जाए तो वो उसकी कॉस्ट जीरो होगी अगर यही इन्वेंट्री हम सेकेंड पीरियड में यूज करते हैं तो एक पीरियड के लिए हमने कॉस्ट रखी दो डॉलर उसकी कॉस्ट है पर per पीरियड अगर हम होल्ड करें और इसी तरह अगर थर्ड पीरियड में इसी को हम यूज करते हैं तो वो फोर डॉलर की कॉस्ट पड़ेगी इसके अलावा एक कॉलम है जो कि अनयूज कैपेसिटी का है दिस इज कॉल्ड डमी वेरिएबल डमी वेरिएबल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे ये जो मेथड है ट्रांसपोर्टेशन का इसमें डिमांड और सप्लाई बराबर होनी चाहिए लेकिन वो हो नहीं सकती तो उसके लिए फिर हम डमी वेरिएबल्स को यूज करते हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो जीरो होगी क्योंकि डमी है इट्स नॉट रियल तो वो उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन में नहीं आएगी अब रेगुलर प्रोडक्शन की फोर्टी डॉलर्स फर्स्ट पीरियड की है अगर फर्स्ट पीरियड में प्रोडक्शन करें सेकंड में यूज करें तो फोर्टी टू है अगर वही फर्स्ट पीरियड में प्रोड्यूस करके सेकंड में यूटिलाइज करें तो 44 होगी इसी तरह ओवर टाइम की है 50 52 54 सब कॉन्ट्रैक्टिंग विच इज़ 70 अगर फर्स्ट पीरियड में सब कॉन्ट्रैक्टिंग करके हमने यूनिट्स रख ली हैं और वो यूटिलाइज हम करें सेकंड पीरियड तो दो डॉलर पर यूनिट उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी थर्ड पीरियड में करें तो दो पीरियड क्योंकि हम होल्ड कर रहे हैं तो फोर डॉलर एक्स्ट्रा पड़ जाएगी इसी तरह सेकंड पीरियड की है कि सेकंड पीरियड में प्रोडक्शन हो सेकंड में कंज्यूम हो तो एक्चुअल कॉस्ट पड़ेगी जितनी है लेकिन अगर हम एक पीरियड उसको होल्ड कर लेते हैं और थर्ड पीरियड में यूज करते हैं तो दो डॉलर एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे तो ये कॉस्ट हमने हर सेल के अंदर डालनी है एक्सेप्ट फॉर ये जो क्रॉस लगे हुए सेल्स हैं इसके अंदर हमने इनको नहीं डालना तो ये हमारे कॉस्ट फर्स्ट स्टेप के अंदर ये हमने करना है जबकि ये जो राइट मोस्ट कॉलम है ये कैपेसिटी बता रहा है कि बिगनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स है और रेगुलर प्रोडक्शन 700 यूनिट्स हम कर सकते हैं 50 यूनिट्स ओवर टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं 150 हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग में कर सकते हैं और इस टोटल हम सम करें तो 27,080 यूनिट्स के कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है जैसे मैंने कहा इस मेथड के अंदर आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर होनी चाहिए सो so ये जो इनको हम जब करेंगे असाइन तो वो सम कर, कर फिर बाकी जो बचेगा वो अनयूज कैपेसिटी में होना चाहिए कि जब इन चारों को हम सम करें तो वो ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एंड एटी यूनिट्स का टोटल आए जो कि कैपेसिटी के बराबर होना चाहिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि नोट करने के हैं वो ये एक तो कैरिंग कॉस्ट इस टू डॉलर्स ये तो पहले भी उसके अंदर बताया होता है पर टायर पर मंथ मीनिंग के अगर हम एक मेंटेन कर रहे हैं आ, एक पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो दो डॉलर के कॉस्ट पड़ेगी जो कि हमने आ, जब वो टेबल बनाया है तो उसके अंदर हमने इसको इंकॉर्प्रेट किया डमी कॉलम मैंने आपको बताया अनयूज कैपेसिटी का वो हमें रखना लाजमी है क्योंकि मैंने जैसे बताया डिमांड और सप्लाई बराबर होनी चाहिए तो ये डमी जो है अनयूज कैपेसिटी ये ऐड होकर हमारी टोटल कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी बैक ऑर्डर्स आर नॉट अलाउड इन दिस एग्जांपल वो जैसे आपने देखा था कि क्रॉस लगे हुए हैं तो उसके अंदर बैक ऑर्डर्स नहीं होंगे uh, जो कॉलम्स ईच uh, uh, उसके अंदर टेबल uh, के अंदर ईच कॉलम जो है उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी जो कि इसमें शोनी की वो सोल्यूशन में होगी वो एक्चुअली डिमांड रिक्वायरमेंट है जो कि हमने मीट करनी है थ्रू प्रोडक्शन इन्वेंट्री प्रोडक्शन जो भी हमने एलोकेट करनी है जैसे हमने ये इधर बनाए हैं सेल्स uh, जिसके अंदर कॉस्ट डाला हुआ है तो सबसे पहले हमने लोएस्ट uh, कॉस्ट वाले सेल को यूज़ करना है और उसकी जब कैपेसिटी फुली यूटिलाइज हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट लोस्ट की तरफ हम जाएंगे सो so, इस तरह हमने इसको बिल्डअप करना है और ये जो सोलूशन है ये आपको नज़र आ जाएगा